वैसे आप लोगों ने बेकार में तकलीफ करी, मैं अकेला ही चले जाता। तकलीफ की क्या बात है, वैसे ही मंदिर तो जा ही रहे थे। नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, यहाँ मुझे गैराज जाना है, पास में ही है, मैं वहीं जाऊंगा। पास में तो वैसे मंदिर भी है, मंदिर क्यों नहीं जाएगा? राखी की मौत, पापा का एक्सीडेंट, इतने हादसे हो गए, अब भगवान से विश्वास उठ चुका है मेरा। वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। माँ बेटी को आजाद करने आई है। बेटी जैसी नहीं, शैतान जैसी है, शैतान। शांत हो जा चंपकली, फूल को रौंदने का वक्त आ गया है। बेटा, माँ आई है, जाओ यहाँ से। कहाँ ना जाऊँ यहाँ से? अजय, ये कहाँ गए हम यार? रोड बंद है यार। अरे लगता है मेरे जीपीएस ने गलत बता दिया, आजकल नेट भी धोखा दे देता है। हाँ, धोखा तो देता है। चलो इस रास्ते नहीं तो किसी और ही से। कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उस औरत ने आपको। मुझे लगा वही औरत आई। आपको पता है अगर आज आप नहीं आती ना तो मैं कैसे नहीं आती? मैं माँ हूँ, मुझे तो आना ही था ना। हाँ, पर और अब जो भी हुआ ना सब भूल जाओ, मैं आ गई हूँ, तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हें मिल गई हूँ, और क्या चाहिए? नहीं अब्बू, आप नहीं समझ रहे हो, आपको आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, अब मैं आपको सब बताती हूँ। राखी, मैं सुनूंगी, सब सुनूंगी, ओके? लेकिन यहाँ नहीं, पहले हम जाके गाड़ी में बैठते हैं, ओके? चलो। हाँ मैं सुनूंगी, आओ मेरे साथ चलो। अजय, हम मंदिर जाएंगे, तुम अपनी कार ठीक करा के यहीं मिलना हमें, हम यहीं इंतजार करेंगे तुम्हारा, ओके? ऋषभ, मैं अजय भैया के पीछे जाती हूँ। नहीं नहीं,
तुम यहीं रुको। नहीं ऋषभ मैं। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रुको, भाभी के साथ जाओ। युग ये सब क्या हो रहा है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? करना तो तुम्हें है, रहना का ख्याल रखना है और उसे कहीं जाने मत देना, उसके साथ ही रहना। और तुम दोनों जाओ मंदिर के दर्शन वर्शन करो, हाँ उसके बाद हमारा यहीं इंतजार करना, हम दोनों यहीं आ रहे हैं। ओके चल ऋषभ, जाइए जाइए मंदिर जाइए। रैना तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? बांधना होगा। और प्लीज अभी हिंदी फिल्म हीरोइंस की तरह ये मत बोलना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अब्बू माँ मेरा हाथ क्यों बांध रही हैं? प्लीज खोलिए। स्टॉप इट, तुम कोई बच्ची नहीं हो जो हाथ पैर मार रही हो, समझी? मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, यही बहुत बड़ी मेहरबानी की है मैंने तुम पर, समझी? और मेरी मेहरबानी की कोई कदर नहीं है तुम्हें, हाँ मुझ जैसी मेहरबान इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्या कह रही है, मैं अब प्लानिंग कर रही थी। मुझे लगा आप मुझे बचाने आई हैं, आप मुझे। हाँ बचाऊंगी ना, लेकिन अपने आप को, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और मुझे मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। और अब प्लीज चुप, एकदम चुप, एक आवाज नहीं चाहिए मुझे, चुप जा बैठी रहो यहाँ पर। ऋषभ तू बिल्कुल सही कह रहा था, समथिंग इज रॉन्ग, तूने देखा कैसे मुड़मुड़ के देखा तो? अरे कहाँ गायब हो गया? आई डोंट नो, आसपास ही होगा। एक काम कर, तू इस तरफ जा ऋषभ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। और सुन फोन ऑन रखना, जैसे ही मिलेगा फोन कर देना, मुझे मिलेगा मैं कर दूँ, संभाल के जा, जल्दी जा। ओके भाई। ये तो किसी लड़की की आवाज है, लगता है अजय के अंदर का राक्षस आ गया, उसकी जान खतरे में होगी। ये तो राखी की आवाज है, बिल्कुल राखी की आवाज है। राखी जिंदा है, राखी।
ये तो उसी की, वो जिंदा थी, ये यही तो थी। रैना क्या हुआ, दर्शन नहीं करोगी? भाभी आप जाइए ना, मैं बस थोड़ी टाइम में आती हूँ। ऋषभ कम ऑन, फोन उठाओ। हाँ हाँ चिंदी बोलो। ऋषभ ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। पता नहीं का क्या मतलब है ऋषभ? तुम अजय भैया का पीछा कर रहे थे ना, क्या हो रहा है बताओ ना मुझे। मैं फोन करता हूँ। ऋषभ मेरी बात तो सुनो। ब्रह्म राक्षस उसी के अंदर है। ऋषभ इतने अजीब से क्यों बात कर रहा था? कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। ये ड्रामेबाजी बंद करो। जो आज तुम्हारे साथ होने वाला ना, ये तो पहले ही हो चुका है। आज तो रिपीट टेलीकास्ट है, कोई नहीं देखेगा, सब देख चुके हैं। तुम तो पहले ही मर चुकी हो, तो प्लीज ये चिल्लाना बंद करो। बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी से मेरे जैसी बन जाओ। हाँ मेरे जैसी दुल्हन, दुल्हन एक रात की, दुल्हन एक राक्षस की। वो यहाँ आएगा, उसे यहाँ लाने के लिए सिर्फ एक दुल्हन चाहिए। शादी का जोड़ा, चूड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब तो तुम पहन चुकी हो। ओ, एक चीज तो मैं भूल ही गई, मांग टीका। हाँ अब तुम लग रही हो दुल्हन। अब बहुत जल्द तुम्हारी कहानी खत्म, उसकी कहानी खत्म, सब खत्म। ये देखो देखो देखो, तुम्हारे पति देव शादी से पहले लड़की को लड़के की फोटो दिखाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें साक्षात मूर्ति दिखा रही हूँ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। जब तुम उसे देखोगी ना, तो देखती रह जाओगी। अरे मैं एक और चीज भूल गई, एक मिनट। रावण हत्ता, ये लो। तुम्हें बजाना आता है रावण हत्ता? क्या तुम्हें रावण हत्ता बजाना नहीं आता? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। जो चीज हमें नहीं आती है ना, वो हमें सीख लेनी चाहिए। ये लो, बजाओ, जैसे बजाना है बजाओ, लेकिन बजाओ बजाओ। कितनी पागल हूं ना, कैसे तुम बिना हाथों के बजाओगी? तुम्हारे हाथ खोल दिए, तुम्हारा मुंह भी खोल दिया। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कुछ अच्छा सीखने का, प्लीज सीख लेना। मरने से पहले कुछ तो सीखो। हाँ चलो बजाओ बजाओ। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारा अपहरण किया है, राखी हरण किया है? हाँ तुम तो पहले से ही मर चुकी हो। अगर आज मैंने तुम्हें मार भी दिया ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हा? चलो बजा बजा बजा। अम्मा आपने तो मुझे बचाया था। हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया था, याद है मुझे, मैंने ही तुम्हें बचाया था। लेकिन आज मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ आज होगी तुम्हारी असली मौत। हाँ आ रहा है वो।
रुक जा। चल अपने असली रूप में आ जा। क्या ऋषभ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? इस बार मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। साल पहले मैंने तुम्हें मार दिया था। बदला लेने नहीं आओगे? आओ ना। अरे ये तुम्हारा ही मंदिर है, यहाँ तुम्हारी पूजा होती है। ये पुजारन तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी आओ जल्दी। अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं करोगे, उसकी विदाई नहीं करोगे? अरे मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी आओ ना। अजय मर चुका है, मैं जानता हूँ। अजय मर चुका है तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं युग भैया? राक्षस। तू ब्रह्म राक्षस है भैया। गन भैया मैं अजय हूँ, अजय। मैं ब्रह्म राक्षस नहीं हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा अपराजिता। आइए पतिदेव, आपके घर में आपका स्वागत है। देखो इसे, अपनी दुल्हन को देखो। हाँ तुम्हारी दुल्हन आज भी यही पूछती है, मरे क्यों नहीं? कैसे मरोगे? मुझे मारे बिना कैसे मरोगे? और उस सबसे भी ज्यादा वो दुल्हन जिसने उसे मार दिया। जब वो सामने आती है, अपने रूप में आती है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोकेगा? वो दुल्हन इतने बरसों बाद आई है, वो रात इतने बरसों बाद आई है। याद है वो रात, वो घात, वो अपराजिता चिल्ला चिल्ला के यही पूछती थी, सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी। सुनते हो? तुम मरे या नहीं? ऋषभ! अरे कोई है, बचाओ! ये तो अजय भैया की आवाज है, वहां से आ रही है। अगर अजय भैया की आवाज वहां से आ रही है तो ऋषभ भी वहीं पर होगा। ऋषभ, अजय भैया! अरे बाप पतिदेव, तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम हो गए हो। माँ मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। जब तक ये नहीं मरता तुम नहीं मर सकती, और अगर मरना है तो साथ में मरो। Thank you.
राखी। You're dead. अरे कोई है, बचाओ। अच्छा भैया। यो भैया, नहीं, नहीं। अजय भैया बराबर राक्षस नहीं है। अरे तुम्हें कैसे पता रहना? अगर ये भ्रम राक्षस होते तो अब तक आप पर अटैक कर दिया होता ना। राखी, तू मेरी बहन, तू राखी, तू घबरा मत। तू ठीक हो जाएगी। मेरी बहन, अब हम चाहते नहीं आप किस क्या 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 पहले मैंने तुझे मार दिया था, आज भी मैं तुझे मार दूंगी। इतिहास दोहराएगा आज। ऋषभ, इसे पकड़ो। ऋषभ, मैं नहीं जानती कि मैं इसे कैसे मारूंगी, लेकिन आज मैं इसे मार दूंगी। इसने राखी को किडनैप किया, उस पर अटैक किया। राखी को कितना दर्द पहुंचा होगा। आज मैं सारे दर्द का बदला लूंगी। मैं इसे मार दूंगी। इसे पकड़ो ऋषभ, इसे पकड़ो। राखी, मैं भी आया, मैं भी आया। आंखें को, आंखें मत बंद करना। ऋषभ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अपराजिता। राखी, चार, बेटी को मारा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राखी, राखी, इस बार मत जाना मुझे छोड़ के। राखी, मेरी बहन, आंखें खोल। राखी,
आखिर संजय साहब की मौत हो ही गई। आप बुरे इंसान नहीं थे, फिर भी कितनी बुरी मौत मारे गए। आप बहुत अच्छे इंसान थे, आज आपकी आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। आप इस राक्षस का खून है तो फिर ये किसका? क्या कयामत फिर लौट के आएगी? इस राक्षस का शायद नई शुरुआत। मैं इस घर में सिर्फ राखी की वजह से था, और अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और ना ही कोई वजह है मेरी यहाँ रहने की, इसलिए मैं वापस अपने घर मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें लगे। क्या हो रहा है? मेरी बैग क्यों पैक कर रहे हो? तुम्हें इस बोरिया अब इस तरह समेत इस घर से बाहर फेंकने के लिए। अच्छा, अब मैं समझी। प्रॉपर्टी बेचने का टाइम आया है तो तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। बट लेट मी टेल यू, मैं रहना जैसी बेवकूफ नहीं कि तुम दोनों इडियट्स मुझे उल्लू बनाओगे और मैं बन जाऊंगी। गाली देती तमीज से बात करो मुझसे। बदतमीजी तुम कर रही हो।
बेटी की मौत हुई है यहाँ, तुम्हें पैसे की पड़ी है, दिमाग सड़ गया है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग सड़ गया है जो तुम मेरा हिस्सा भी हड़पना चाहते हो? शराब जस्ट शराब। बेशरम औरत, राखी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम पैसों की बातें करने लग गए। राखी की मौत को लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे तुम दोनों? बस राखी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। राखी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने मारा है उसे। मैंने नहीं मारा उसे, ब्रह्म राक्षस ने मारा उसे। हाँ मैं वहां थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो राखी जो सबके लिए मर चुकी थी वो वहां अचानक कैसे आई। मैं नहीं जानती थी कि वो आज तक कहाँ थी। वाह, तुम नहीं जानती थी वो कहाँ थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो उसी मंदिर में छिपी हुई थी। मैं जानती थी कि वो कहाँ थी, पर वो जहाँ थी वहाँ किसने रखा उसे? किसने जिंदा रखा, बचा के रखा, किसने? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ, तुम सब जानती हो। मैं इसी वक्त तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है। हाँ, मेरी वजह से एक मौत हुई है लेकिन वो ब्रह्म राक्षस की मौत है। जिसे तुम आज तक नहीं मार पाए उसे मैंने मार दिया। हाँ मारा, लेकिन मेरी बेटी को ढाल बनाकर, उसे बलि का बकरा बनाया तुमने। नहीं, मैंने नहीं। जो भी किया उस ब्रह्म राक्षस ने किया। झूठ झूठ। अगर तुम्हें पता था कि राखी कहाँ है, अगर पता चल गया था कि वो जिंदा है तो हमें क्यों नहीं बताया? ऑफ कोर्स, ब्रह्म राक्षस मेरे सामने खड़ा था लेकिन वो एटलीस्ट मुझे कॉल करने दे रहे हैं ना। बकवास बकवास कर, झूठ बोल रही हो तुम। लेकिन अब तुम्हारा झूठ यहाँ नहीं चलेगा। चाहे तुम रो रो के सारा गांव इकट्ठा कर लो, सबको सबको ये कहानी बता दो, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि तुमने मारा है मेरी राखी को, तुम खाते हो, खूनी हो तुम, और तुम इस गांव में नहीं रह सकते। बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द और कहना तुमने तो। अरे राखी की मौत तो उसी दिन तुमने तय कर ली थी जब तुम उसे यहाँ इस गांव में लेकर आए थे दुल्हन बनाने। इस गांव में जहाँ हर कोई दुल्हन बनने से डरता है, तुम उसे यहाँ ले आए, अपनी बेटी को यहाँ ले आए। और किस लिए? पैसों के लिए। और मुझसे कहते हो कि मुझे लालच है पैसों का? हाँ है लालच पैसों का, क्योंकि उसमें मेरा हिस्सा है और वो हिस्सा लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समझे तुम? मोहिनी, मोहिनी ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो मोहिनी, प्लीज मोहिनी, जस्ट लिसन टू मी। रुक जाइए साले साहब, आज इसको इसकी असली औकात मोहिनी ही दिखाएगी। जो होता है हो जाने दीजिए, आज इस माँ के बीच में मत आइए। नहीं जा रही, मुझे क्या करी मोहिनी? बुझ गए ना सारे थे, इसी तरह से मेरी बेटी की जिंदगी का दिया भी बुझाया था ना। माँ कहती थी तुझे, माँ तो जन्म देती है लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी के कातिल के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाए यहाँ से। मोहिनी, मोहिनी, मैं उसकी कातिल नहीं हूँ, उसका कातिल ब्रह्म राक्षस है। मैं तो राखी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऋषभ से पूछो। ऋषभ, तुमने देखा था ना कैसे ब्रह्म राक्षस मुझ पे और राखी पे अटैक कर रहा था? तुमने देखा था ना? मैं तो वहां से राखी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तुमने देखा था? प्लीज प्लीज इन्हें बताओ प्लीज। राखी जिंदा थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और आपको पता कैसे चला कि राखी जिंदा है? क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस उसे वहां ले आया। मैं तो असुर स्थल में थी, मैंने उसे मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि वो टाइगर नेल से मर सकता है क्योंकि टाइगर गोरिल्ला का दुश्मन है और उस गोरिल्ला ने उसे उस राक्षस को अपने वश में किया था। मैंने सारा इंतजाम कर लिया था और वो वहां आया भी था, लेकिन जब वो वहां आया तो वो राखी के साथ आया और फिर आपने सोचा कि आपको राखी की बलि चढ़ानी चाहिए क्योंकि वैसे ही ब्रह्म राक्षस मरेगा। अगर तुम्हें कहानी नहीं पता तो बीच में मत बोलो, समझी?
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ऋषभ को सपोर्ट किया होता ना तो वो मेरे साथ जाता और ये सब नहीं होता। मोहिनी, ऋषभ मेरे साथ जाने वाला था लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि रैना ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अगर उसे सपोर्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। ट्रस्ट मी, ये राखी की मौत की वजह ये रैना है। रैना, मेरी वजह से? ये आप क्या कह रही है? स्टॉप इट रैना। आप जानती नहीं कैसी लड़की है। मैं बताता हूं आपको, एक कैसी लड़की है। ये ऐसी लड़की है जिसने राखी को इंसाफ दिलाने के लिए, उस राक्षस को सामने लाने के लिए एक बार नहीं बार बार अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। पर जब उस राक्षस ने मेरी मॉम पे अटैक किया था दो दो बार, जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, ये लड़की। आप कहती हैं आप असुर स्थल में थी जब वो राक्षस मेरी बहन को लेकर आया। क्या कर रही थी आप वहां? जब उस राक्षस ने मेरी बहन पे अटैक किया तब आपने उसे सामने से हटाया क्यों नहीं? मर जाने दिया उसे? अगर उस असुर स्थल पे मैं और रहना होते और उस राक्षस ने मेरी बहन पे अटैक किया होता तो ये मर जाती, उसे कुछ नहीं होने देती। आप, अरे आप तो उसकी अप्पू मां थी, मां समझती थी वो आपको, और आपने उसे मर जाने दिया। सही कह रहा है ऋषभ, मुझे भी पूरा यकीन है कि अगर रहना वहां होती तो मेरी राखी को कभी मरने नहीं देती, जरूर उसकी जान बचाती बिना अपने बारे में सोचे। अरे इसने तो तभी अपने बारे में नहीं सोचा था जब राक्षस को बाहर निकालने के लिए उसने ऋषभ से शादी की थी। उसने तब भी अपने बारे में नहीं सोचा जब उसने दुल्हन का जोड़ा पहना। और तुमने जब राखी को मौत के सामने देखा तब एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं तो खामखा इन दोनों को ही कोसती रही। लेकिन जानते हो जब से राखी की मौत हुई ये दोनों एक पल भी चैन की नींद नहीं सोए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही मकसद था, एक ही जुनून था, राखी की मौत का बदला लेना। तुमने क्या किया? मेरी बेटी को ढाल बना के इस्तेमाल किया अपनी जान बचाने के लिए। नॉनसेंस! तलवार तो तुम लोगों ने चलाई अपनी बेटी पर, उसे शादी करने के लिए यहां ले आए इस गांव में। शादी तो की नहीं लेकिन उसके डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर जरूर कर दिया तुम लोगों ने, और किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। इनफ! मेरी बहन की मौत हो गई आपकी वजह से और आप यहां खड़े होकर जहर उगल रही हैं। आप लाख बार चीखिए चिल्लाइए मगर आपकी गलती नहीं छिप सकती अप्पू मां। आप में उंगली उठेगी कि आपने राखी को क्यों नहीं बचाया। आप ऋषभ को, मुझे, हम में से किसी को भी फोन कर सकती थी, नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? आपने राखी को मरने दिया, खुद बच गई आप। मरा कौन? ये बेचारी राखी मरी। अप्पू मां, यू नो व्हाट, उस रात जब आपको राक्षस ने पकड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, काश हम में से कोई नहीं आया होता। अरे मर जाने दिया होता आपको जिस तरह आपने। बहुत हो गया अपराजिता, बहुत हो गया। देखो अप्पू, उसकी नजाकत को समझो। अभी हम लोग हमारी बेटी की मौत का मातम मना रहे हैं। सदमे में है हम लोग। हाथ जोड़ता हूं आपसे, जस्ट लीव, जस्ट लीव। ऋषभ, ये सब क्या कह रहे हैं? ऋषभ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों खड़े हो? ऋषभ प्लीज कुछ
बोलो ऋषभ जी। मेरे बोलने से मेरी बहन वापस आ जाएगी? आएगी, बताइए। जाइए जाइए प्लीज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब लोग अब भी इस औरत से इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहे हैं। इसे सिर्फ धक्के मार के इस घर से बाहर निकल यहाँ से। मोहिनी मैं कहाँ जाऊँ? निकल मेरे घर से, चली जा, निकल। मोहिनी ऋषभ टावल। सॉरी, वो मैं जा ही रही थी।